20 नौकरियां जो भविष्य में नहीं होंगी। ये भविष्य के बारे में किसी साइंस फिक्शन बुक या डिस्टोपियन नॉवल की बात लगती है, लेकिन किसी गलत फहमी में मत रहिएगा। हम जिस जॉब मार्केट को जानते हैं वो पूरी तरह बदलने वाला है। कुछ नौकरियां तो भविष्य में गायब ही हो जाएंगी। आज हम आपको कुछ ऐसी नौकरियों के बारे में बताएंगे जो सही में भविष्य में लुप्त हो जाएंगी। लेकिन पहले हम आपको गारंटी देते हैं, हम तो भविष्य में रहेंगे ही, तो आप सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और नोटिफिकेशन बेल भी दबाएं, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आगे जाकर हमारे लेखक जरूर लुप्त हो सकते हैं। पहला, पेट्रोल पंप के कर्मचारी। इलेक्ट्रिक कार्स की बढ़ती पॉपुलैरिटी को देखते हुए पेट्रोल पंप के कर्मचारियों की जरूरत धीरे धीरे कम होती जाएगी। पेट्रोल के बढ़ते दामों को देखते हुए ये इंडस्ट्री जल्द ही पूरी तरह से क्लीन रीयूजेबल एनर्जी में बदल जाएगी। इसका मतलब है कि बहुत से पेट्रोल पंपों की जगह शायद रिचार्जिंग स्टेशन आ जाए, जहाँ जाकर आपको बस गाड़ी प्लग इन करनी है और रिचार्ज करके निकल जाना है। दूसरा, फार्मेसी के कर्मचारी। गलत प्रिस्क्रिप्शंस देना, सही प्रिस्क्रिप्शंस को कम्युनिकेट ना कर पाना और ह्यूमन सब्सटेंस के दुरुपयोग को ज्यादा करीब से मॉनिटर किया जा सकेगा अगर ये सभी काम एक रोबोट द्वारा किए जाएं। जी हाँ, आप माने या ना माने, जिस तरीके से आप अपनी प्रिस्क्राइब्ड दवाइयाँ पाते हैं, भविष्य में वो पूरा तरीका जड़ से बदल सकता है। इस तरह की कई नौकरियाँ ऑटोमेशन का शिकार होने वाली हैं। तीसरा, बैंक का कैशियर। बैंक की गलती की वजह से आपके खाते में 20,000 रुपए आ गए, लेकिन अब नहीं। जी हाँ, बैंक के कैशियर भविष्य में अपनी नौकरी खो सकते हैं। जाहिर है, अगर बैंक को रोबोट चला रहे हों तो उसे लूटना मुश्किल हो सकता है। ऐसा लोन ऑफिसर्स के साथ भी हो सकता है और चैरिटी के आधार पर लोन मिलना बंद हो जाएगा। अगर आप क्वालिफाई नहीं करते तो लोन नहीं मिलेगा। पैसों के लिए किसी मशीन से बहस करना काफी मुश्किल होगा ना। चौथा, इंडस्ट्री के कर्मचारी। कार, मोबाइल फोन बनाने वाली और कई अन्य इंडस्ट्रीज में कर्मचारियों को खतरा है कि उनकी जगह रोबोटिक आर्म्स ले सकती हैं। 2016 में टेक कंपनी फॉक्सकॉन ने अपने 60,000 कर्मचारियों की जगह रोबोट रख लिए। ऐसा दुनिया भर में कई अलग अलग मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के साथ हो रहा है, जिसकी वजह से इंडस्ट्री के कर्मचारी अपनी नौकरियां खो रहे हैं। पांचवा, ग्रोसरी स्टोर क्लर्क्स। ऐसा भी दुनिया भर में कई ग्रोसरी स्टोर्स और डिपार्टमेंट स्टोर्स में हो रहा है। कूपन स्कैन करना, अपनी खरीदारी को इनपुट करना और मशीन को पैसे देना काफी सामान्य हो गया है। ऐसा होने पर सारे कैशियर्स की भी छुट्टी हो सकती है, क्योंकि लगभग 10% कैश हैंडलिंग ट्रांजैक्शंस में इंसानी गलती होती है, जिसकी वजह से कंपनी या फिर ग्राहकों को नुकसान पहुंचता है। छठा, पायलट। इंसानी गलती को दूर हटाना और हॉस्टाइल टेकओवर की क्षमता उन गाड़ियों का एक बड़ा कंपोनेंट है जो पूरी तरह से ऑटो पायलट पर चलती हैं। बहुत से प्लेन्स दरअसल इसी सिस्टम पर चलते हैं, जहां एक इंसान पायलट की सीट पर बैठकर ये देखता है कि सब कुछ योजना के अनुसार चल रहा है या नहीं। हो सकता है भविष्य में ऐसे व्हीकल्स को पूरी तरह से कंप्यूटर ही नियंत्रित करे। सातवां, डाकघर के कर्मचारी। पिछले कुछ दशकों में ईमेल के आविष्कार के बाद चिट्ठियों में भारी गिरावट देखने को मिली। इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी से कागज की लागत में कटौती हुई, पेड़ बचे और अब चिट्ठियां गुम भी नहीं होती। बहुत सी सर्विसेज ने ऑनलाइन बिलिंग शुरू कर दी है और जब बात पार्सल पहुंचाने की हो तो अमेज़न जैसी कंपनियों ने डिलीवरी ड्रोन्स रखने शुरू कर दिए हैं। हालांकि इस पूरी प्रक्रिया को अभी स्ट्रीमलाइन नहीं किया गया है, लेकिन बस कुछ ही वक्त बाद घर पर डाक आना बंद ही हो जाना है। आठवां, ट्रक ड्राइवर। दुनिया की कई जानी मानी कंपनियों जैसे एप्पल, टेस्ला, फोर्ड, अमेज़न और ऊबर ने बिना ड्राइवर की गाड़ियों, खासकर ट्रकों में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया है। ऐसा करने से डिलीवरी जल्दी होगी, क्योंकि इंसानों को बाथरूम जाने, खाने और सोने के लिए गाड़ी रोकने का वक्त बचेगा। अब ट्रकों में फ्यूल भर के वो बिना रुके सीधे अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। इससे बेशक भविष्य में कंपनियों को काफी फायदा पहुंचेगा, लेकिन ट्रक ड्राइवरों का करियर वक्त से पहले ही खत्म हो जाएगा। नवा, शिक्षक। आपको सुनकर शौक लगेगा कि टीचर्स भी लुप्त हो सकते हैं,
क्योंकि बहुत से एकेडेमिक्स का मानना है कि नई तकनीकों जैसे आईपैड्स और पर्सनल कंप्यूटर्स के द्वारा भी बच्चों को पढ़ाया जा सकता है। इंगेजिंग एप्लीकेशंस, प्रोग्राम्स और वीडियो ट्यूटोरियल्स बहुत से लोगों को चीजें खुद करना सिखा सकते हैं। हो सकता है भविष्य में स्कूल भी वर्चुअल रियलिटी के जरिए एट होम गाइडेड प्रोग्राम्स बन जाएं। इसकी एक झलक तो हमने कोविड-19 के दौरान देख ही ली। 10वां, सार्वजनिक परिवहन ड्राइवर या ऑपरेटर। बस ड्राइवर और ट्रेन ऑपरेटर भी ऑटोमेशन के चलते ही जल्द अपनी नौकरियां खो सकते हैं। बिना ड्राइवर की गाड़ियों के आविष्कार के कारण ये काम करने वाले बहुत से कर्मचारी जल्द ही अपनी नौकरी से हाथ धो बैठेंगे, क्योंकि इंसानी ऑपरेटर की जरूरत ही खत्म हो जाएगी। 11वां, कॉफी शॉप के कर्मचारी। हाथ से बनी बेहतरीन कॉफी मिलना जल्द ही बीते जमाने की बात हो जाएगी, क्योंकि आने वाले कुछ सालों में एस्प्रेसो मशीन्स ज्यादा से ज्यादा एडवांस्ड हो जाएंगी। विकिपीडिया के अनुसार दुनिया में रोजाना 2 अरब 50 करोड़ कप कॉफी पी जाती है। भविष्य में कॉफी शॉप दरअसल कॉफी स्टेशन बन जाएंगे, जहां लोग मशीन से निकली कॉफी पीने के लिए कतार में खड़े रहेंगे। 12वां, फास्ट फूड कर्मचारी। मैकडॉनल्ड्स और अन्य फास्ट फूड चेन्स ने अपने कैशियर्स की जगह ऑर्डरिंग स्टेशंस रखने शुरू कर दिए हैं। इन कंप्यूटर्स की मदद से आप खुद अपना ऑर्डर देकर पैसा चुकता करेंगे और फिर अपना ऑर्डर हासिल करेंगे। तो जिस तरह एक ऑटोमोटिव प्लांट कार असेंबल करता है, उसी तरह एक रोबोटिक आर्म वाले कंप्यूटर को बर्गर असेंबल करने में कितना वक्त लगेगा? शायद आपकी सोच से बहुत ही कम। 13वां, मीटर पढ़ने वाले। जो नहीं जानते उन्हें बता दें कि मीटर पढ़ने वाले वो लोग होते हैं जो घर घर जाकर गैस और बिजली कंपनियों के लिए बिल का सही आंकड़ा मालूम करते हैं, मतलब करते थे। आजकल ज्यादातर कंपनियां इस जानकारी को रिमोटली एक्सेस करने के लिए टेक्नोलॉजी इंस्टॉल कर रही हैं। 14वां, टाइपिस्ट या वर्ड प्रोसेसर। शायद आप में से कुछ की दादी नानी ने टाइपराइटर के जमाने में टाइपिस्ट के तौर पर काम किया हो, और हम सच में ये मानते हैं कि उस वक्त इस प्रोफेशन की बहुत ज्यादा मांग थी। लेकिन ऑटोमेटेड ट्रांसक्रिप्शन सॉफ्टवेयर का उदय होने के साथ ही इस नौकरी में बहुत ज्यादा गिरावट देखने को मिली है। 15वां, ब्रॉडकास्टर्स। अब ब्रॉडकास्टिंग भी इन लुप्त होने वाली इंडस्ट्रीज की लिस्ट में शामिल है। इसकी वजह है आजकल के युवा, जो पूरे वक्त सोशल मीडिया डिवाइसेस से चिपके रहते हैं, और इसलिए टीवी के एड रेवेन्यू में भारी गिरावट आ रही है और टीवी न्यूज कंपनीज को हायर करने में मुश्किल आ रही है। 16वां, डिस्क जॉकीज, डीजेज। करियर कास्ट डीजेज के कम होते जॉब प्रोस्पेक्ट्स को समझाते हुए कहते हैं कि लोग अपनी आईट्यून्स और स्पॉटिफाई की प्लेलिस्ट्स को सुनना ज्यादा पसंद करते हैं। बेशक ये भी एक अच्छा ऑप्शन है, लेकिन फिर हमारे यहाँ शादियों में गाना कौन बजाएगा? 17वां, दर्जी और सुनार। एक समाज के तौर पर हमने ये तय कर लिया है कि कपड़े एक डिस्पोजेबल आइटम है और इन्हें बनाने वाले लोग भी, और इसलिए आजकल कोई कपड़े सिलवाना पसंद नहीं करता, हर कोई रेडीमेड कपड़े खरीदना पसंद करता है। यही वजह है कि सुनारों को भी अपनी इंडस्ट्री में 11% की गिरावट देखने को मिली। कोई पुराने तरीके से गहने नहीं बनवाना चाहता। 18वां, इंश्योरेंस अंडरराइटर। सच कहें तो यहाँ बेस्टी में हम सब ने जब इंश्योरेंस को समझने की कोशिश की, तो हम सब के दिमाग में ऑटोमेटिकली शॉर्ट सर्किट हो गया। लेकिन अपेरेंटली ये इवैल्यूएट करना अंडरराइटर्स की जिम्मेदारी है कि किसी इंश्योरेंस कंपनी को किसी को अपना क्लाइंट बनाना चाहिए या नहीं। हालिया सालों में अंडरराइटिंग सॉफ्टवेयर ने इस नौकरी की स्टेबिलिटी को अनइंश्योरेबल रिस्क बना दिया है। 19वां, कंप्यूटर प्रोग्रामर। याद है किस तरह पिछले दशक में सभी माता पिता और टीचर्स बच्चों को अमेरिका में अच्छी नौकरी पाने के लिए कंप्यूटर प्रोग्रामिंग करने के लिए कहते थे? हम उम्मीद करते हैं कि आपने उनकी नहीं सुनी होगी, क्योंकि अगले कुछ सालों में यूएस में कंप्यूटर प्रोग्रामर्स का वक्त ज्यादा अच्छा नहीं होगा। हालांकि हम शायद 2025 में भी कंप्यूटर का इस्तेमाल कर ही रहे होंगे, लेकिन कंपनियां ऐसे देशों से हायर करेंगी जहां वेजेस कम होंगे। तो ग्लोबलाइजेशन की जय हो। 20वां, लाइब्रेरियन। अपने स्कूल या कॉलेज के जमाने में आप लाइब्रेरी में तो जरूर गए होंगे, और अक्सर लाइब्रेरियंस के साथ हमारी अच्छी यादें जुड़ी होती हैं।
लेकिन शायद ये यादें अगली पीढ़ी के लिए केवल कहानियां बनकर रह जाएंगी, क्योंकि लाइब्रेरियंस गायब हो रहे हैं। क्यों? इसलिए क्योंकि लाइब्रेरीज भी गायब हो रही हैं। हम जानते हैं ये बहुत बुरा है, लेकिन जब आपकी उंगलियों के इशारे पर डिजिटल किताबों की पूरी लाइब्रेरी हाजिर हो जाए तो कोई कमरा भर के किताबें क्यों चाहेगा। लेकिन हम में से जिनको किताबें हाथ में लेकर पढ़ना पसंद है, वो शिक्षा के इन गढ़ों को बहुत मिस करेंगे। साथ ही शायद लाइब्रेरी ही वो इकलौती जगह होती है जहां आप आराम से जा सकते हैं और आपसे कुछ खरीदने की उम्मीद नहीं की जाती। और यहां खत्म होती है हमारी लिस्ट। क्या आपको लुप्त होने वाली किसी नौकरी के बारे में जानकर आश्चर्य हुआ? क्या आपका जॉब भी इस लिस्ट में है? अपने सभी सवाल, कमेंट्स और भविष्य के सभी कंसर्न्स हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक शेयर करें, साथ ही बेस्टी को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।